चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जिसके चलते उसने ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते के पदभार संभालते ही पूरे लाभ लश्कर के साथ ताइवान को घेरते हुए एक सैन्य अभ्यास किया, जिसको उसने पनिशमेंट ड्रिल का नाम दिया। साथ ही चीन, ताइवान और अमेरिका का ट्रायंगल हमेशा से सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर चीन के ताइवान पर बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका कूद पड़ा है। दरअसल चीन ताइवान की किसी भी देश के साथ बढ़ती नजदीकियों से खरा खाता है। खासकर अमेरिका के साथ ताइवान के रक्षा संबंधों से चीन हमेशा नाराज रहता है। जब भी अमेरिकी अधिकारी ताइवान पहुंचते हैं तो चीन अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाकर सैन्य अभ्यास शुरू कर ताइवान पर दबाव बनाने की कवायद में जुट जाता है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई कर मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने दावा किया कि ताइवान ने अमेरिका को जिन हथियारों का ऑर्डर दिया था वे अब आ रहे हैं। अमेरिका के इस दावे से फिर ताइवान को लेकर खींचतान तेज हो रही है। तो वहीं ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच गहमागहमी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में चीन ने ताइवान के पास अपनी वॉर एक्सरसाइज कर दोनों देशों के बीच के तनाव को बहुत बढ़ा दिया है। इस मौके पर अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान पहुंचकर नए राष्ट्रपति से मुलाकात की। खास बात है कि अमेरिकी नेता ऐसे वक्त पर ताइवान पहुंचे हैं जब चीन ने ताइवान के पास ही अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया। बता दें कि ताइवान ने बीते 2 सालों से अमेरिकी हथियारों की सप्लाई में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। बताया जाता है कि ताइवान ने स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे हथियारों के लिए ऑर्डर दिया है, जिस पर अमेरिकी नेता ने खुलासा किया कि जल्दी सप्लाई पूरी हो जाएगी। बता दें कि पिछले महीने ही अमेरिकी संसद ने एक रिलीफ पैकेज पर मुहर लगाई थी। इसमें ताइवान की सेना के लिए भी करीब $2 बिलियन का समर्थन शामिल था। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल ने कहा कि यह निवेश इलाके में शांति बनाए रखने और चीन को अपने पड़ोसी पर हमला करने के मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए काफी अहम है। ताइवान वॉशिंगटन का विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। गौरतलब है कि हालिया सालों में चीन अपने पड़ोसी ताइवान पर सैन्य और अन्य दबाव बढ़ा रहा है। इसमें लगभग हर दिन सैन्य विमान और जहाज भेजना भी शामिल है। सोमवार को ताइवान राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सुबह 6 बजे तक उसने पिछले 24 घंटे में द्वीप के पास 21 चीनी सैन्य विमानों, 11 चीनी नौ सैनिक जहाजों और 4 चीनी तटरक्षक जहाजों का पता लगाया था। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में अमेरिकी नेताओं का दौरा एक शक्तिशाली इशारा है। हालांकि इन सबके बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि चीन इन विवादों की आड़ में ताइवान पर हमला न कर दे। बता दें कि 2 साल के अंदर चीन ने तीसरी बार ताइवान को घेर कर मिलिट्री डील शुरू की है। वहीं चीन अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल की ताइवान यात्रा पर आपत्ति जता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिका और ताइवान के बीच सैन्य संपर्क और ताइवान को हथियार देने के प्रयासों की निंदा की है। निंग ने कहा कि बीजिंग अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। दुनिया में केवल एक ही चीन है, ताइवान उसका हिस्सा है।